नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी आवाज़ के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे गूगल क्रोम के टॉप 5 ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए, हो सकता है इनमें से काफ़ी सारे ट्रिक्स आप पहले से ही जानते हैं और बहुत सारे नहीं भी जानते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो आप अपने कंप्यूटर में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, मेरा पहले से ओपन करके रखा है मैंने। तो आपको क्या करना है, आप न्यू टैब में जाना है, कोई भी न्यू टैब यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, देखिए, ठीक है। तो पहला जो है मेरा टिप्स, ठीक है, वो टिप्स है गूगल क्रोम को आप कैसे एक कैलकुलेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, यूज़ गूगल क्रोम एज ए कैलकुलेटर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जो एड्रेस बार है ऊपर न्यू टैब की, जो एड्रेस बार है, यहाँ पर आप कैलकुलेट कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए कैसे होता है, 10 + 10, देखिए 10 + 2, 10 + 10 इज इक्वल टू 20, यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा कैलकुलेशन करते हैं, 5 × 2, ये देखिए 10 दिखा रहा है, ठीक है। बहुत सारे कैलकुलेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं, देखिए 185 + 258 + 3632 + 102, ये देखिए 1177, यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला ट्रिक, गूगल क्रोम को कैसे आप एक कैलकुलेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम दिखाते हैं ट्रिक्स नंबर 2 को। तो जो ट्रिक्स नंबर 2 है वो है आप गूगल क्रोम को कैसे एक इमेज व्यूअर के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप कैसे गूगल क्रोम को एक इमेज व्यूअर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए गूगल क्रोम जो है, ठीक है, ऐसे ओपन है। तो मैं कोई भी एक इमेज इसमें आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी इमेज है, तो कोई भी इमेज ऐसे ड्रैग कर लीजिए, ये देखिए इमेज जो है गूगल क्रोम में आ गया। तो आप गूगल क्रोम को एज ए इमेज व्यूअर यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा ट्रिक, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे तीसरे ट्रिक की ओर। हमारा जो तीसरा ट्रिक है वो है आप कैसे गूगल क्रोम को एज ए मीडिया प्लेयर यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप गूगल क्रोम में कोई भी ऑडियो साउंड या कोई भी वीडियो प्ले कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ गूगल क्रोम में। ये देखिए एक वीडियो है, मैं इसे प्ले करूँगा गूगल क्रोम में। तो ऐसे आप इस वीडियो को ड्रैग कर लीजिए, ये देखिए ये जो वीडियो है गूगल क्रोम में चलने लगा, ठीक है। तो गूगल क्रोम को आप एज ए वीडियो प्लेयर भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ ट्रिक की ओर। हमारा जो फोर्थ ट्रिक है वो है यूज़ गूगल क्रोम एज ए टास्क मैनेजर, आप गूगल क्रोम को कैसे एक टास्क मैनेजर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, देखिए पहले आपको यहाँ पर जो मेनू बटन है यहाँ पर जाना होगा, फिर यहाँ पर जो मोड टूल है यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आपको मिलेगा टास्क मैनेजर, ये देखिए टास्क मैनेजर यहाँ पर है, यहाँ पर क्लिक आप करेंगे तो यहाँ पर आपको टास्क मैनेजर मिल जाएगा। ये गूगल क्रोम का टास्क मैनेजर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके कंप्यूटर में कौन सा टैब ओपन है, क्या क्या ओपन है और क्या प्रोसेस है जो आपका मेमोरी एब्जॉर्ब कर रहा है। ये देखिए ब्राउज़र सभी दिखा रहा है यहाँ पर, आप चाहे तो किसी भी टैब को ऐसे सिलेक्ट करके एंड कर सकते हैं, एंड प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो एंड हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। तो आप गूगल क्रोम को एज ए टास्क मैनेजर यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा फोर्थ ट्रिक। तो अब बारी है लास्ट ट्रिक की। तो हमारा जो फिफ्थ ट्रिक है वो है गूगल क्रोम का एक डिक्शनरी फीचर्स, डबल क्लिक डिक्शनरी, ठीक है।
तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको एक गूगल क्रोम में एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होगा। गूगल का ही जो एक्सटेंशन है, ये देखिए मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, गूगल डिक्शनरी। ठीक है, तो इसका जो काम है मैं आपको दिखाता हूँ। आप इंटरनेट पर अगर आप कोई भी वर्ड सर्च करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए देखिए यह पर आ रहा है, बहुत सारे वर्ड है। तो आपको अगर किसी एक वर्ड का मीनिंग जानना हो तो आप बहुत ही आसानी से कैसे जान पाएंगे, डबल क्लिक करके। देखिए ये एक वर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सपोज इसका मीनिंग मुझे जानना है तो हम क्या करेंगे, इसमें डबल क्लिक ऐसे करेंगे, ये देखिए ऊपर शो कर रहा है इसका मीनिंग। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से डबल क्लिक करके, सिर्फ डबल क्लिक से ही इसका मीनिंग जो है आपको दिखा देगा। ये आपको कहीं पर भी कुछ टाइप करना नहीं है। तो एक ये एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है गूगल क्रोम में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।